बरारा साहब के लिए चलेंगे निगरान वज़ीरे आला पंजाब आमिर मीर लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वज़ीरे आला पंजाब ने इस सिलसिले में जितने भी कमिश्नर्स और डीसी साहिबान हैं उनको फ्लड रिलीफ प्लान जो है वो पेश करने की हिदायत की है। फ्लड रिलीफ प्लान तैयार भी हैं और इसमें अहम तरीन नुक्ता ये है कि अगर सैलाब आता है तो मुमकिना तौर पर इन दरियाओं के किनारे पर जो आबादियां हैं जो मोस्टली ज़मीन दरिया की है लेकिन लोगों ने वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर अपनी बस्तियाँ आबाद कर रखी हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। और फिर जो भी हुकूमत होती है वो इल्ज़ाम ये लग जाता है कि देखें सैलाब आया तो सैलाब को रोकने की कोई प्लानिंग नहीं की गई थी और देखें आबादियाँ डूब गई हैं। हालांकि ये आबादियाँ 99% आबादियाँ जो हैं ये दरिया के अंदर बनाई गई हैं, वो रावी का हो या दूसरा स्लुज साइड का, ये गैर कानूनी आबादियाँ हैं। तो ये फैसला किया गया है कि इन आबादियों को जो जो सैलाब का ख़तरा बढ़ेगा तो इस वक्त मुतलका महकमे जो हैं वो एक एक जो आबादी है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उन्हें पता है कि 1988 में सैलाब आया था, कौन सी आबादी कितने mm पानी पहुंचा तो वो डूबी। तो इस हिसाब से ड्यूटियां लग गई हैं और मॉनिटरिंग लम्हा बलम्हा की जा रही है। जो जो आबादी जो है वो सैलाब के ख़तरे से दो चार होगी उसको फौरी तौर पर 48 घंटों में इवैक्यूएट करवाया जाएगा। और ये चीफ मिनिस्टर ने अपील की है आवाम से जो सतलुज और रावी के किनारे आबादियां बनाकर लोग बैठे हुए हैं उनसे कि वो कोऑपरेट करें इंतज़ामिया के साथ और जब उन्हें कहा जाए कि इवैक्यूएट करें तो वो फौरी तौर पर इवैक्यूएट करें। और अगर इसमें माजी में देखा गया है कि इन आबादियों के जो मकीन होते हैं वो रेजिस्टेंस देते हैं, मज़ाहमत करते हैं, उनका माल मवेशी होता है तो वो कहते हैं जी हम इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। और इवेंचुअली ये सूरत हाल पैदा होती है कि पानी चढ़ जाता है और फिर वो अपनी घरों की छतों पे पनाह लेने पे मजबूर हो जाते हैं और फिर वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है, फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आवाम से ये अपील है कि जब ये वार्निंग आ जाए और उन्हें अपने इलाके खाली करने के लिए कहा जाए तो वो इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें और जो है इवैक्यूएशन में गवर्नमेंट के साथ जो है कोऑपरेट करें। तो ये बुनियादी तौर पर वार्निंग अलर्ट जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद था। अब अगर आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो मेरे साथ जी ये जो फ्लड रिलीफ प्लान है उसमें सारा हर आबादी कौन सी आबादी जो सैलाब मुमकिना सैलाब की नज़र होने जा रही है उन लोगों को उनके लिए व्हीकल्स कैसे उनको निकालना है और कैसे उनको लाहौर में निगरान वज़ीरे आला पंजाब आमिर मीर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है।